नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दतिया के भांडेर में सहायक सचिव ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। भांडेर एसडीएम इकबाल मोहम्मद खान को वेतन बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। ज्ञापन में उनकी मांगों का निराकरण न होने पर 31 मार्च को कलम बंद रखने का कहा गया। जब एसडीएम इकबाल खान ने कहा, लाडली बहन योजना का काम आप लोग करें, बाकी काम नहीं करें। ज्ञापन देने में वाले लोग दीपू यादव अध्यक्ष, कुलदीप शर्मा, प्रदीप शर्मा, सुनील यादव, अरविंद पार्षद, राजेंद्र यादव, महेंद्र यादव, सिमरत पाल, मनीष परिहार, रोहित खरे, प्रवेश बघेल, प्रवीण खरे, राजबहादुर दोहरी, सुखनंदन, देवेंद्र धाकड़, कृष्ण पाल यादव, जितेंद्र खमरिया, रवि रंजन, कमलेश तिवारी आदि उपस्थित रहे। दतिया संवाददाता अनीस मंसूरी की रिपोर्ट। आज जो आपने ज्ञापन दिया, किस मांगों को लेकर दिया है? हम सहायक सचिव संगठन भांडर की इकाई ने आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम। जो सहायक सचिव संगठन है बहुत ही कम अल्प वेतन में कार्य कर रहा है, मात्र 9000 रुपये सैलरी मिलती है, जिससे सभी के घर का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इसी तारतम्य में पूरे प्रदेश में हड़ताल के लिए ज्ञापन दिया गया। इसी इकाई में हमने भांडर इकाई में भी ज्ञापन दिया। तो इसमें क्या क्या करेंगे आप, क्या क्या नहीं करेंगे? इसमें कलमबंद हड़ताल है। कब तक है जी? 31 मार्च।